2 दिसंबर 1984 की रात की कहानी। एक केमिकल गैस मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल की एक फैक्ट्री यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड से लीक हुई, जिसने भोपाल शहर को कुछ ही घंटों में श्मशान बना दिया था। 40 टन से ज्यादा लीक होने वाली इस गैस के कारण लगभग 4000 लोगों की मृत्यु तुरंत हो गई थी। परफेक्ट नंबर का तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन करीब 15,000 से ज्यादा लोग इस ट्रेजेडी में जान गंवा दी थी। इतना ही नहीं पर 6,00,000 से ज्यादा लोगों को इंजरीज का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इस जहरीली गैस के लॉन्ग साइड इफेक्ट भी देखने को मिले। ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद 20,000 लोगों की प्रीमेच्योर डेथ्स भी हुई। दोस्तों, ये डिजास्टर इंडिया की हिस्ट्री का फर्स्ट मेजर इंडस्ट्रियल डिजास्टर होने के साथ साथ ही दुनिया का वर्स्ट डिजास्टर में गिना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस डिजास्टर में इन्वॉल्व्ड कंपनी ने खुद को लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से दरकिनार कर दिया। गैस लीक के 4 दिन बाद कंपनी के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन भोपाल में आते हैं। तुरंत ही उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्हें उसी दिन बेल भी मिल जाती है और अगले ही दिन वो US भाग जाते हैं। लीगल, मोरल और इथिकल तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो उनका जाना मारे गए और पीड़ित हजारों लोगों पर नाइंसाफी थी। आज इतने सालों के बाद भी उनके भागने की गुत्थी कोई सुलझा नहीं पाया है। उनके भागने के पीछे कई पॉलिटिकल कारण हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे वॉरेन एंडरसन देश छोड़कर भागे और कैसे गैस लीक की पूरी घटना हुई। तो अब देखते हैं कि एक ही रात में भोपाल कैसे श्मशान बन गया। दोस्तों, 1970s के दशक में इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसी शुरू की जिसने फॉरेन कंपनीज को लोकल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज किया। अमेरिका की कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन को एक पेस्टिसाइड यानी कि सेविन मैन्युफैक्चर करने के लिए प्लांट लगाने के लिए बोला गया और भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड को एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर सेटअप किया गया। 2 दिसंबर 1984 की रात करीब 11 बजे जब भोपाल की अधिकतर जनता सो रही थी, तब फैक्ट्री के एक ऑपरेटर की नज़र MIC गैस के एक छोटे से लीक पर गई। स्टोरेज टैंक का प्रेशर लगातार बढ़ रहा था एक फॉल्टी वेव के कारण। 1 टन पानी 40 टन MIC स्टोरेज टैंक में जा मिला, जिसके कारण एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ और प्रेशर बढ़ता गया। और बात करें 3 दिसंबर की आधी रात करीब 1 बजे लीकेज शुरू हुआ था। उसके बाद दोस्तों होना क्या था, उसके बाद सुबह होते ही भोपाल की सड़कों पर लोगों की लाशों का बंजर देखने को मिला। जहां पर भी नजर जाती सिर्फ लाशें ही देखने को मिलती, चाहे वो इंसान की हो या जानवर की। लगभग 4000 लोग तुरंत मारे गए थे। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि डिजास्टर के बाद क्या हुआ। घटना के तुरंत बाद ही US की कंपनी UCC ने अपने हाथ खड़े कर दिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने UCIL पर इल्ज़ाम लगाया। 6 दिसंबर को इस केस की जांच CBI को सौंपी गई और MP गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी कमीशन का गठन किया, जिसे भोपाल पॉइजनियस गैस लीकेज इंक्वायरी कमीशन बोला गया। 7 दिसंबर को एक अमेरिकन एटर्नी ने एक US कोर्ट में लॉ सूट फाइल किया, जहां से इन लीगल बैटल्स की शुरुआत हुई जो सालों साल तक चलने वाली थी। इसी समय UCC के चेयरमैन भोपाल आते हैं, तुरंत ही उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। उनके साथ साथ कंपनी के 2 और ऑफिशियल्स को अरेस्ट किया जाता है। एक आश्चर्य की बात तो यह थी कि उन्हें पुलिस स्टेशन के बजाय कंपनी के गेस्ट हाउस में रखा जाता है। कुछ देर अरेस्ट रहने के बाद कुछ रहस्यमय तरीकों से उनको बेल मिल जाती है, और यही नहीं उनको VIP कार्स में भोपाल एयरपोर्ट ले जाया जाता है। वहां उनको स्पेशल प्लेन से दिल्ली रवाना कर दिया जाता है और उसी दिन वो US भाग जाते हैं। यहीं से कंस्पिरेसी थियरी चालू होती है कि आखिर क्यों उन्हें हाउस अरेस्ट से छोड़ा गया, उनको बेल्स देने के रीजंस क्या थे और किसने उनकी भागने में मदद की।
दोस्तों इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट्स में बताया है कि उस दौरान रहे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को अमेरिका से प्रेशराइज किया गया था, जिससे उन्होंने एंडरसन को यूएस रवाना कर दिया। उस दौरान रहे एमपी के सीएम अर्जुन सिंह अपनी ऑटोबायोग्राफीज में बताते हैं कि उन्हें होम मिनिस्टर आरडी प्रधान का यूनियन होम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव के कहने पर कॉल आया था। उस कॉल में एंडरसन के बेल की मंजूरी दी गई थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में एक और खुलासा किया गया। उस समय रहे भोपाल के कलेक्टर मोती सिंह बताते हैं कि एंडरसन को जिस रूम में रखा गया था वहां एक टेलीफोन था, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने फ्रेंड को यूएस में कांटेक्ट किया। रिपोर्ट के हिसाब से यूएस एम्बेसी ने इंडियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया था, जिसके चलते उन्हें 25,000 रुपये के बैंड के साथ बेल दे दी। उसके बाद वो कभी इंडिया वापस नहीं लौटे। कलेक्टर का तो कहना यह भी था कि अगर उस रूम में टेलीफोन हटा दिया जाता तो शायद एंडरसन भाग नहीं पाते। खैर, इंडियन गवर्नमेंट ने यानी कि इंडियन कोर्ट ने एंडरसन को भगोड़ा करार दिया। भोपाल के एसपी स्वराज पुरी ने इंक्वायरी कमीशन को बताया कि एंडरसन को रिटन ऑर्डर पर अरेस्ट किया गया था और सिर्फ एक ओरल ऑर्डर पर छोड़ दिया गया था, जो कि अपने आप में एक शक पैदा करता है। और जब इनसे पूछा गया कि ऑर्डर कहां से आया, उस पर उनका कहना था कि ऑर्डर्स ऊपर से आया था। 2016 में हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्ट में एक खुलासा और हुआ। UCIL के प्रोडक्शन मैनेजर SP चौधरी और उनके साथ सात और लोगों को 2010 में इसी मामले में भोपाल कोर्ट ने दोषी करार दिया। SP चौधरी ने ये क्लेम किया था कि CBI और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्चुअल डिटेल्स को छुपा कर रखा है। उनका यह भी कहना था कि वो डिजास्टर कुछ लोगों ने मिलकर प्लान किया था और जानबूझकर प्लांट में गड़बड़ी करवाई थी। भोपाल गैस पीड़ित संघर्ष समिति ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि इसमें PM राजीव गांधी और CM अर्जुन सिंह की मिली भगत थी, जिसके कारण एंडरसन भाग निकला। डिमांड थी कि इनकी जांच की जाए। तो दोस्तों ये थी भोपाल गैस लीकेज की कहानी और एंडरसन के भाग निकलने की कहानी। खैर, सितंबर 2014 में यूएस में एंडरसन की मृत्यु हो गई थी। भोपाल के पीड़ित लोग आज भी एंडरसन को अपना गुनहगार मानते हैं, और गुनहगार वो भी हैं जिन्होंने एंडरसन की मदद की थी। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं इस गैस लीकेज की कहानी के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को